सांसद ने कहा, रामगढ़ में केंद्रीय विद्यालय और मेडिकल कॉलेज लाने का प्रयास है जारी। रजरप्पा सीसीएल स्थित ऑफिसर्स क्लब में आज सू पार्टी द्वारा चितरपुर प्रखंड स्तरीय सेवानिवृत्त बुजुर्गों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से मौजूद गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, विशिष्ट रूप से मौजूद विधायक सुनीता चौधरी, जीप अध्यक्ष सुधा देवी ने पूरे प्रखंड के तेहर पंचायत क्षेत्र से सभी विभागों से सेवानिवृत्त सैकड़ों बुजुर्गों को सम्मानित किया। मौके पर सांसद ने कहा, मौजूद सेवानिवृत्त कर्मियों के अनुभव और मेहनत ने राष्ट्र को सींचने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने रामगढ़ विधानसभा को सभी मामलों में आत्मनिर्भर बनाया है और आगे भी पूरी गति के साथ रामगढ़ को सींचने के लिए अप्रत्याशित विकास कार्य किए जाएंगे व केंद्रीय विद्यालय के साथ मेडिकल कॉलेज भी लाने का प्रयास जारी है, जिससे क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चे भी काबिल बन सकें। निश्चित तौर पर जितने भी हमारे अभिभावक हैं, पूरे क्षेत्र के जितने भी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, सीसीएल कर्मी हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार के जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, आज सभी लोगों को बुलाया गया और सभी लोगों को आज सम्मानित किया गया। सम्मान करने का उद्देश्य है कि जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के भविष्य के लिए उन्होंने जो पूरा जीवन मेहनत किया, जो अपना कीमती समय योगदान दिया, उनकी अहम भूमिका है क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, कि आज उनको एक सम्मान के तौर पर उनको बुलाया गया, सम्मानित किया गया, उनका मार्गदर्शन भी लिया गया, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से ही और उनके पूरे जीवन का जो एक्सपीरियंस है उसका लाभ इस क्षेत्र के लोगों को मिले, खुद और मुझे भी उनका आशीर्वाद मिले, ताकि जो तरक्की हमारे द्वारा इस क्षेत्र को किया गया, झारखंड और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में किया गया, आने वाले समय में भी हम उनके मार्गदर्शन पर चलेंगे और इस क्षेत्र को तरक्की पर ले जाएंगे। आज हम लोग सम्मान समारोह के जो हमारे सेवा निर्मित किए थे उन लोगों को क्योंकि आदर सम्मान किया जाए और वही सम्मानित समारोह किए जो हमारे गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी जी ने हैं, उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी सोच ही ऊँचा है कि हम लोग चाहे कि जो हमारे गार्जियन स्वरूप है उनको लाएँ आगे और उनका सम्मान देने का काम करें। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और इसमें कम से कम ये हुआ कि जो सेवानिवृत्त लोग हैं वो अपने आप को फालतू आदमी ना समझे, कम से कम ये समझे कि हाँ भाई उनको भी सम्मान करने वाला कोई है, उनका भी कोई रख रखाव या सेवा पानी करने वाले लोग हैं।